बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार की देर रात चेक पोस्ट लगाकर पशुओं से भरा 3 पिकअप वैन को जब्त किया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट लाया। कोर्ट में पेश कर सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों में बिहार भोजपुर के जालीम सिंह, पप्पू कुमार, विजेंद्र यादव, कविंद्र कुमार, रामसुंदर कुमार और त्रिभुवन सिंह शामिल है। इस सिलसिले में पशु तस्करी के विरुद्ध थाना कांड संख्या 44/2024 के तहत केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा, वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश यह कार्रवाई की गई है। कहा कि बिहार के भोजपुर से 3 पिकअप वैन में बड़ा और छोटा मिलाकर कुल 27 पशुओं को कोलकाता ले जाया जा रहा था, जिसमें गाय एवं भैंसों की संख्या 15 और 12 गाय भैंस का बछड़ा और पांडी शामिल है। पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर बेंगाबाद चत्रो पथ से तस्करी के लिए ले जा रहे 3 वाहन सहित 27 पशुओं को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा जब्त किया गया पशुओं की सुरक्षा के लिए गौशाला भेज दिया गया है। इसके पूर्व वाहन चालकों द्वारा पशुओं से संबंधित किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं दिखाया गया, तब वाहन चालकों व तस्करों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। बताया जाता है कि वाहन के ऊपर प्लास्टिक के तिरपाल से ढक दिया गया था और नीचे जैसे तैसे पशुओं को वाहन में ठूस कर ले जाया जा रहा था। पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के बाद अन्य पशु तस्करियों के बीच हड़कंप मच गई है। बता दें कि पार्टी बदवारा के रास्ते पशु तस्करी के तस्करों का सेफ जोन बना हुआ है।